हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मरने वाला व्यक्ति जो भी बोले वो सच हो जाता है? क्या मरने वाला व्यक्ति की सारी बातें भगवान पूरी करते हैं? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की बात बताएंगे जिसने मरते हुए कुछ ऐसा बोला जिससे एक चेयर श्रापित हो गई। द डेडली चेयर। म्यूजियम के लोगों का कहना है कि अगर कोई इस चेयर पे बैठ जाए तो वो मर जाता है। इस चेयर को इतना ऊपर लटकाया हुआ है ताकि कोई इस पर बैठ ना सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों इस पर बैठने वाले को मृत्यु मिल जाती है। ये कहानी 1702 की है। थर्स्क इंग्लैंड में थॉमस बसबी नाम का एक कातिल था जिसने अपने फादर इन लॉ की हत्या कर दी थी। उसी की वजह से थॉमस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि हर फांसी चढ़ने वाले इंसान को एक डेथ विश का मौका जरूर मिलता है। थॉमस को भी ये मौका मिला और उसने अपनी आखिरी डेथ विश ये मांगी कि मुझे थर्स के अपने फेवरेट पब की फेवरेट चेयर पर खाना खाना है। उसकी डेथ विश पूरी करने के लिए उसे थर्स के पब में ले जाया गया और जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया, वो अपने चेयर से खड़ा हो गया और बोला, मे सडन डेथ कम टू एनीवन हु डेयर टू सिट ऑन माय चेयर, जिसका हिंदी में मतलब होता है, उसी समय वो मर जाए जो जरूरत करे इस कुर्सी पर बैठने की। चेयर के श्रापित होने का तब पता चला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रॉयल फोर्स के दो पायलट आए और उन्होंने इस चेयर पर बैठने की जरूरत की और उनके पब से निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये इत्तेफाक था या ये चेयर का श्राप, ये कन्फर्म नहीं था, इसलिए उस चेयर को वहीं रहने दिया। उसी के बाद से कई दिनों तक ये चेयर सुर्खियों में रही कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पायलट के मरने का राज क्या था। क्या इसी चेयर ने उन दोनों की जान ले ली? बहुत से लोग इस पब में आते थे और एक चैलेंज की तरह इस चेयर पर बैठते थे और उनकी भी रहस्यमय तरीके से ही मौत हो जाती थी। पब के मालिक ने सोचा कि जो भी वर्ड्स उस थॉमस ने बोले थे वो पब के अंदर बोले थे, पर अगर ये चेयर कहीं और रख दी गई तो शायद इसके कारनामे बंद हो जाएंगे और पब के मालिक ने यह फैसला किया इस चेयर को अब वो गोडाउन में रखेगा। गोडाउन में कई वर्कर काम करते थे और उन सबका यही कहना था कि ये चेयर अपनी ओर आकर्षित करती है, इसको देखते ही मन करता है कि इस पर जाकर बैठ जाओ। जो भी इस चेयर पर जाकर बैठ जाता था, अगले दिन उसकी यही खबर आती थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस डेडली चेयर का यही रहस्य था। उस थॉमस की लाइंस जो उसने आखिरी टाइम मरते हुए बोली थी वो सच हो गई और इसी के कारण इस चेयर को पब के मालिक ने इस यॉर्कशायर के म्यूजियम में डोनेट कर दिया। अब ये चेयर यॉर्कशायर के म्यूजियम में टंगी हुई है और इतनी ऊपर टंगी हुई है ताकि इस पर कोई बैठ ना सके। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियोस की सबसे पहले।